मंगलौर की, जहां पर बीजेपी ओबीसी मोर्चे के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य मुनीश सैनी को उत्तर प्रदेश ओबीसी का सह प्रभारी बनाया गया। उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर से जगह जगह मुनीश सैनी का जोरदार स्वागत किया गया है। इस मौके पर मुनीश सैनी ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, उसका पूरी निष्ठा के साथ मैं निर्वहन करूंगा। जो भी मेरे को निर्वहन करना है कार्य का, जो भी जहाँ भी मेरी ड्यूटी लगाई है उसको मैं पूर्णतः निभाऊंगा, और पहले भी जहाँ भी पार्टी ने मेरे को लगाया है मैं पूरी डेडिकेशन के साथ में उसको निभाता आया हूँ। पहले मेरे को जो मेरे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मेरे जो गुरु जिन्होंने मुझे यहाँ पर लाए और जिन्होंने मुझे चलना सिखाया, वो भी मेरे साथ है। ये सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य है, और आप ही के संरक्षण में और पार्टी के संरक्षण में मैं ओबीसी मोर्चे के जो सहप्रभारी की जिम्मेदारी दी है उसको पूर्णतः निर्वहन करूंगा। मेरी गलती, भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान। सबको साथ लेकर चलते हैं, और हम लोग कभी भी, क्योंकि सभी लोग बताते हैं हम लोग वोट की राजनीति नहीं करते, हम विकास की राजनीति करते हैं और विकास के मुद्दों को ही लेकर आते हैं। इसीलिए ओबीसी की जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है उसको पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम घर घर जाकर अपनी योजनाओं को बताकर और सभी लोगों को एक साथ रखेंगे। धन्यवाद। हमारे जो जिले से मुनीश सैनी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, कलियर से चुनाव भी लड़े थे, आज उनको राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पहले लिया गया था। उत्तर प्रदेश का सह प्रभारी बनाने के उपलक्ष्य में आज कार्यकर्ता बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं, और ये उपलब्धि है हरिद्वार की कि एक ऐसे सामान्य नेता को आज राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी जिम्मेदारी आदरणीय नड्डा जी ने, आदरणीय मोदी जी ने दी है। तो आज इस अवसर पर आदरणीय मोदी जी का, नड्डा जी का, के लक्ष्मण जी का सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन, उनको धन्यवाद, और हमारे मुनीश सैनी जी को आज बहुत बधाई शुभकामनाएं कि आपने बहुत जिस प्रकार से कार्यकर्ता में आप लोकप्रिय हैं, कार्यकर्ताओं का उत्साह है आपके प्रति, और आपका आज नारसन बॉर्डर से लगाकर और रुड़की तक जगह जगह स्वागत और अभिनंदन का कार्यक्रम है, उन्हें आपको बधाई शुभकामनाएं।